बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सब के लिए एक और वीडियो। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद यही है कि नेकी की तरफ रागब करना। ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही नेकी हो, और भी बहुत से ज़रिए हैं जिससे आप नेकी कर सकते हैं। कुछ नेकी ऐसे होते हैं जिसमें आपके अखराजात होते हैं, पैसे लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी की मदद करना हो तो पैसे के अलावा नहीं कर सकता, या कोई एशिया या कोई ऐसी चीज़ उनको देना पड़ता है। अलबत्त जिस नेकी की तरफ हम आपको रागब कर रहे हैं वो नेकी है जो आप मुफ्त में भी कर सकते हैं। चलते फिरते कहीं से भी गुजर रहा है, कब्रिस्तान नज़र आ गया, अपने कीमती वक्त में से दो मिनट निकाला, निकालने के बाद जाकर आपने फातिहा की, और फातिहा खानी करने के बाद उनकी मगफरत के लिए दुआ की, तो इससे नेकी की तरफ आपको मुतवज्जो करना था इस वीडियो के ज़रिए। अगर पसंद आता है तो आप भी इसी तरह की वीडियो वगैरह बनाएं, ताकि दूसरे लोग जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं, जो आपसे रबते में हैं, या जो आपके प्रोफाइल वगैरह देखते हैं, तो वो भी ऐसे नेकी की तरफ मुतवज्जो हो। यकीन कीजिएगा, बड़े अजीम काम है जो मरहूमीन को याद करना, मरहूमीन की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ करना। आपका कुछ भी नहीं लगता, एक रुपये का पैसा आपका ज़ाया नहीं होता। जहाँ पे आप अपने घर में 6 घंटे बगैर किसी वजह के पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, यकीन कीजिएगा उसके मुकाबले में 1 घंटे के लिए कब्रिस्तान का चक्कर लगाएं, किसी ठंडे से छाँव वाले जगह पर बैठ के सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में, किस तरह वक़्त गुजर रहा है, किस तरह हमारे ज़िंदगी ख़त्म होकर मौत की तरफ जा रहा है। यकीन कीजिएगा, हर गुज़रते लम्हात, हर गुज़रते मिनट, हर गुज़रते लेते सांस के साथ साथ हमारे ज़िंदगी इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ये वक्त, ये सांस हमें इस चीज़ का सबक देता है कि आप मौत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। नाज़रीन, गुजारिश यही है कि आप यकीन करें, यहाँ पे आके जो सुकून आप महसूस करेंगे, कहीं और शायद आपको सुकून मिले। तो अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो इन मरहूमीन को याद करें, उन लोगों को याद करें जिनके पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं। तो इंतहाई एहतराम के साथ आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप भी ऐसे वीडियोस बनाकर अपने प्रोफाइल्स के ऊपर लगाएं, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगाएं, ना कि आप गाने और जो वाहिशात की चीज़ें लगाने से, अपने खाने पीने की चीज़ों को सोशलाइज करने से बेहतर है नेक काम की तरफ आएं। तो ये वो काम है जो आप फ्री में भी कर सकते हैं, कम से कम आप 1 से 2 मिनट का वक्त आपको लगेगा, और इंशाल्लाह जो आपने सुकून महसूस करना है, ज़िंदगी में जो इत्मीनान आना है, तो ये बहुत इत्मीनान के काम हैं, और इसमें कुछ भी नहीं लगता सिवाय आपके 2-4 मिनट के। ये कब्रिस्तान है, ये सुनसान है। आज हम जिन महल में, जिन घरों में, जिन बड़े ऐश आराइश के साथ जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे एक ये मकाम भी है। ये अटल हकीकत है, कोई इस जगह से मुनहरफ नहीं हो सकता। हर इंसान ने, हर बंदे ने, हर जी रूह ने यहाँ पे पहुँचना है। तो इसी के साथ, इसी दुआ के साथ, अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की, नेक काम को फैलाने की, नेकी की दावत देने की, और लोगों को नेक काम की तरफ रागिब करने की तौफीक अता फरमाएं, और अली काज़िम बल्ती को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वाजिल फरजहुम व फरजना बिहिम या करीम, वाजिल फरजहुम।